अगर जिम्मेदार व्यक्ति गंभीर न हो तो समस्या समारोह बन जाती है। कोरोना वायरस के मामले में यही हुआ और ये ठीक नहीं हुआ। बार बार चेताने के बावजूद भी मोदी सरकार ने इस महामारी से निपटने की कोई तैयारी नहीं की। It's going, Indian economy is going to be devastated. You have no idea what is coming. It's going to be the most painful thing this country has suffered. And it's coming. Sir, corona ke, it's like a tsunami is coming. I am sorry to say, our people are going to go through unimaginable pain in the next 6 months. Arthik tsunami aane wali hai. सरकार कोई प्रिपरेशन नहीं कर रही। कोरोना के रूप में देशवासियों के जीवन पर एक संकट आ रहा था और प्रधानमंत्री मोदी प्रतीकों में बिजी थे। महामारी का बचाव पहल से होता है, प्रतीक से नहीं। भाजपा सरकार जब इस महामारी से निपटने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है तो कई सवाल उठते हैं। कोविड-19 का कितनी सख्ती से टेस्ट हो रहा है? क्या सरकार ने बेड, आइसोलेशन चेंबर्स, वेंटिलेटर्स, डेडिकेटेड मेडिकल टीम और मेडिकल सप्लाईज की स्टोरेज की व्यवस्था कर ली है? क्या परीक्षण केंद्र, उपचार सुविधा आदि की जानकारी के लिए एक समर्पित पोर्टल है? बाजार में मास्क और सैनिटाइजर्स की आसान आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार क्या कर रही है? चिकित्सा पेशेवरों की सुरक्षा के लिए क्या दिशा निर्देश है? सरकार दैनिक मजदूरों, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों के लिए वित्त पैकेज की घोषणा कब कर रही है? इस समय देश पर भयानक संकट आया हुआ है। सरकार को इसका गंभीरता से सामना करना चाहिए। इसे लोगों के जीवन पर आया संकट माने, अपने पीआर का अवसर नहीं। जय हिंद।